अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम आज के इस लेक्चर में इस इक्वेशन का डायमेंशनल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये इक्वेशन प्रीवियस पेपर में आ चुकी है, 2017 में ये अपीयर हुई है सिंध बोर्ड में। तो फिज़िक्स इज़ फिज़िक्स, वेदर इट इज़ सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड, जो भी हो, लेकिन ये बहुत अहम इक्वेशन है और इसका हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके हम ये चेक करेंगे क्या इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो इससे हमें और भी, क्योंकि लिटिल बिट थोड़ी सी जो आपने दूसरी इक्वेशंस की हैं उनके मुकाबले में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जैसे बी इक्वल्स एफ लैम्डा या के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, नॉट सो मच बट थोड़ी सी। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। इसमें हमें ये पहले पता होना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या गिवन है इस इक्वेशन में। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इस क्वांटिटी को हमने ध्यान से देखना है, लेंथ है, ये टेंशन है और ये लीनियर डेंसिटी है। तो हम इनकी डायमेंशंस पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और हम देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन दोनों तरफ से इक्वल है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल ट्रू है। तो चलिए पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है तो इट मीन्स इसकी डायमेंशन होगी 1.2। लेंथ की डायमेंशन एल होती है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। टेंशन एक तरह की फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन होती है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की एम और एक्सेलरेशन की एल टी पावर माइनस टू। और म्यू लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी मीन्स मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी हो जाएगी एम एल इनवर्स। तो अब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फ्रेमवर्क, मैं पहले फ्रेमवर्क बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे लेंथ की, यहाँ पे टाइम पीरियड को और यहाँ पे सॉरी टेंशन को और यहाँ पे लीनियर डेंसिटी को। तो चलिए यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी पुट कर देता हूँ 1.2, यहाँ पे एल, यहाँ पे टेंशन फोर्स है एम एल टी माइनस टू और यहाँ पे म्यू लीनियर डेंसिटी एम एल इनवर्स। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1.2 इज इक्वल टू 2L, एम से एम कैंसिल, एल इनवर्स ऊपर जाके एल स्क्वायर हो जाएगा और ये टी पावर माइनस टू है। तो टू कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यहाँ मेंशन कर दें टू इंप्लाइज नो डायमेंशन। वन अपॉन टी इज इक्वल टू 1/L और टी पावर माइनस टू नीचे जाके पावर प्लस टू हो जाएगा, ये रूट फाइव से कैंसिल हो जाएगा। 1/T इज इक्वल टू 1/L और यहाँ से आपको मिलेगा एल एंड टी, एल से एल कैंसिल, डायमेंशन डिवाइड बाय डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से 1/T। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो क्या आपने पहचान लिया कि कौन सा फार्मूला है? इफ़ नॉट तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप फिज़िक्स में आगे चल के वेव एंड मोशन में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। साउंड के चैप्टर में आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, ये सोनोमीटर कहलाता है और ये सोनोमीटर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अगर यहाँ पे एन वन हो तो यहाँ वन पुट करते हैं और आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये सोनोमीटर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और ये साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का एक मैनुअल तरीका है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन, थैंक यू सो मच। अभी आपने इसका डायमेंशनल एनालिसिस किया है और जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो हम इस
इक्वेशन को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।